बहावलपुर का कला द्रावण। जिला बहावलपुर के शुमाली जानब सहराए चोलिस्तान के वस्त में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वसी और इस रेगिस्तान के सीने पर अपनी मुकम्मल आबोताब और अपने शानदार माजी को साथ लिए मोहित अजीमुलशान कला द्रावण स्याहों को दावत सियाहत देता है। रोही चोलिस्तान में वाक़ इस कला की दीवारें अपनी साख्त के लिहाज से अहद रफ्ता की शान और शौकत की मजहर हैं और इस खत्ते के माजी के अमीन हैं। कला की छतें नीली चमकदार टैलों से मजीन होने की वजह से दिलकश और महराब मोमार की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। दिल्ली की मोती मस्जिद से मुशाबिया उजली सफ़ैद मस्जिद और शाही कब्रिस्तान। कला द्रावड़ की धरती पर चार असहाब रसूल भी आराम फरमा हैं। मस्जिद नाम शाही जामा मस्जिद है। इनकी तमीर 1256 में शुरू थी है, 1265 हिजरी में मुकम्मल थी है। इको तमीर कराने वाले जो नवाब हैं उनका नाम नवाब बहावल खान साले से ही वक्त ई मस्जिद को 250 साल थी गए और ई मस्जिद नक्शा जरा है नवाब साहब खुद शाही जामा मस्जिद दिल्ली वाला नक्शा उतने कारीगर चाहते आयन ए मस्जिद तामीर करी हने। खूबसूरत गुंबद बरामदे नक्श निगार से आरास्ता खिड़कियाँ दरवाजे आज सदियों बाद भी अपने बानी का नाम जिंदा रखे हुए हैं। इस कला द्रावड़ को बाबे चोलिस्तान भी कहा जाता है। इस कला की बुलंदो बाला बल खाती 30 मीटर ऊंची फसीलें कला की जहो जलाल की अजीम दास्तान बयान करती दिखाई देती हैं। मौरखीन के ख्याल के मुताबिक कला द्रावड़ की तामीर 9वीं सदी ईस्वी में रावल देवराज ने करवाई जो जैसलमीर बहावलपुर रियासत का खुद मुख्तार राजपूत हुक्मरान था, इसलिए इस कला को देवरावल कहा जाने लगा। वक्त के साथ साथ कला द्रावड़ बन गया। ये रियासत की बुनियाद 1727 में रखी गई और 1955 तक यानी 228 साल तक हुक्मरानी की उन्हें और बाद इस पाकिस्तान नाल इलहाक फरमाया उन्हें। ये जड़ा किला जिथे हम आप खड़े से ये सन 834 असल में महाराजा देव रावल जड़ा कि भाटी खानदान तालुक रखें और जैसलमेर का राजा है उन्हें ही किले की बुनियाद रखी। ये कला जैसलमेर रियासत का हिस्सा था। 1733